हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे। तो आज जैसे कि व्लॉग स्टार्ट करने में और ही एक अलग मज़ा आ रहा है, एक अलग वाइब क्यों मुझे फील हो रही है, क्योंकि आज जैसे मैंने सुबह उठा तो मैंने देखा कि इंस्टाग्राम पे मतलब मेरी रील को किसी सेलिब्रिटी ने लाइक किया। सेलिब्रिटी लाइक आजकल एक आम इंसान भी सेलिब्रिटी है, और जो बहुत डीप बातें करती हैं, शेर व शायरी करती हैं, तो उन्होंने मेरी रील को लाइक किया। उनके 1 मिलियन फॉलोवर थे, तो दिल को छू गई ये बात सुबह। और एक खुशी का ठिकाना नहीं होता। और ये मेरी ट्रांजिशन वाली रील थी, मतलब अभी रिसेंट में वो चल रही है, तो 1 मिलियन से ऊपर उस पर हो चुके हैं लाइक, सॉरी 1 मिलियन से उस पर ऊपर वॉच टाइम हो चुका है। और आज सुबह उठते ही, मतलब सुबह तो उठे थे नहीं, मतलब सुबह 5 बजे से बारिश शुरू हो गई थी, और तगड़ी वाली बारिश, मतलब बादल भी गरज रहे हैं, बिजली भी गड़क रही है, और बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। काश कि मैं उसको लाइव देख पाता, लेकिन मैं नींद में था। मैंने कहा सोना, इससे मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा है, बारिश की आवाज़ सुनना ज़्यादा अच्छा लग रहा है मुझे। तो बस, और नहा के पूजा वगैरह हो चुकी है, बस ब्रेकफास्ट का टाइम है, और फिर उसके बाद है मेरी दिनचर्या, जिसमें अब आज भी मेरे कई काम हैं जो मुझे करने हैं फटाफट, वो आप लोगों को बताऊँगा वो क्या क्या काम है तो आने वाले काम के। तो चलो, और अभी घर पे है नहीं, घर पर सिर्फ मैं हेमलता, रेनू और सृष्टि और किट्टो, हम लोग हैं बस घर पे। और कल वो जा चुके हैं, वैसे वो आज रात को आ जाएंगे, नहीं तो वो कल सुबह आ जाएंगे, अभी वो हरिद्वार ऋषिकेश तक ही गए हैं। बस हम ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों से। तो गाइज, अभी बज रहे हैं दोपहर के 3, और मैं अभी लंच करके निकला हूँ, एक मीटिंग के लिए जाना है मुझे। और इससे पहले मैंने किया था घर पे अपना, मतलब काम वाम किया था मीटिंग से पहले, और भी जो काम वाम चलते तो वैसे, तो घर पे बैठ के जो कैलकुलेशन वाला या बुक वाला या चीज़ें करने वाला, बैठ के करने वाला वो काम मैंने किया था अभी देर में, और बहुत हेडेक वाला काम मैंने ख़त्म किया है। तो अभी मैं जा रहा हूँ मीटिंग के लिए, मीटिंग ख़त्म करके फिर मैं जाऊँगा स्टूडियो, और शाम को एक जगह जाना है, और देखता हूँ वहाँ पर टाइम मिल पाता है या नहीं जाने के लिए। फिर स्टूडियो पे मेरे एक कोई क्लाइंट है, उनको भी आना है, फिर मुझे लैपटॉप भी लेना है। आज बहुत भगदड़ वाला, कंफ्यूजन वाला टाइम है, और देखता हूँ इस बीच में मैं टाइम कैसे निकाल पाता हूँ अपनी एडिटिंग के लिए। तो फिलहाल देरी ना करते हुए मीटिंग पे पहुँचता हूँ, टाइम मैंने उनको दिया हुआ है, और मैं टाइम से निकल गया हूँ। हेमलता घर पर ही है, जैसे कि घर पर अभी कोई भी नहीं है, तो हेमलता, सृष्टि और रेनू तीनों घर पर ही है। और शाम का, इवनिंग का प्लान देखते हैं कि कैसे बनता है। जाना है तो वहाँ पे तीनों को ही साथ में जाना है, मतलब तीनों चारों हम सारे जाएंगे साथ में। तो चलो देखते हैं फिर। तो गाइज, मीटिंग से मैं फ्री हो चुका हूँ, और अब मैं जा रहा हूँ सीधा स्टूडियो। स्टूडियो पे कुछ एक आधा काम वगैरह जो है देखना है, और उसके बाद फिर चलता हूँ घर। तो गाइस, स्टूडियो में ये सब लेने के लिए आया था, बिकॉज मैंने है ना गलती से जो कुरियर किया था ना, ऑर्डर किया था, तो वो स्टूडियो के एड्रेस पर हो गया, क्योंकि जल्दी में याद नहीं रहा, क्योंकि पहले सारी चीज़ें यहीं पर ही ऑर्डर होती थी, और ऑर्डर मतलब एड्रेस सिलेक्ट करना भूल गया जल्दी में, तो यहाँ पर आ गया, वो गेट के नीचे से उन्होंने थ्रो किया था। तो माइंड में ये था कि भाई वो ऑर्डर यहाँ पर उन्होंने, मतलब जो कोरियर है उन्होंने यहाँ पर ये सामान रखा भी है या नहीं है, क्योंकि यही होता है कई बार, पता नहीं चलता। तो अब निकल रहा हूँ सीधा घर पे, और जो यहाँ पर आने थे उनका तो मैंने कैंसिल कर दिया है, और रेनू भी कहीं जा रही है, तो हेमलता फिर घर पर अकेली है, तो फिर उसको कंपनी तो चाहिए ही, उसका मन नहीं लगता अकेले इन द सेंस कि मतलब अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा ना उसको एडजस्ट करने में, वहाँ पर चीज़ें उसके लिए थोड़ी सी डिफरेंट है, एकदम अकेले फिर वो ऊपर ही रहेगी। और फिर उसके बाद हमें जाना है बाहर कहीं, तो वो बताता हूँ आपको व्लॉग में। टाटा, आ गए हम अपनी तशरीफ लेकर चाय पीने के लिए। यहाँ पे रखी है अपनी तशरीफ। यहाँ रखूँ? मैं सोच रहा हूँ ऊपर रखूँ ले जाके। ऊपर रख लीजिए। यहाँ रख लीजिए, बैठे नहीं है ना यहाँ पर। बन गई चाय? हाँ बन गई थी। हे गाइस, गुड इवनिंग, आप हो चुके हैं, और अब हम सीधा मिल रहे रात को। मेरे पापा ने सुबह व्लॉग बना लिया था, अब हमारा खाना खाने का वक्त है। इधर मम्मी बैठे, उन्होंने सब नीचे का सारा काम खत्म करके, और इधर पापा स्मार्ट
स्मार्ट पापा है, स्मार्ट जो कि हर टीचर स्मार्ट रहते हैं ऐसे चिलक 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 चिलक। आप मुझे देख रहे होंगे, मैं आपको देख रही हूँ अपने शीशे में और आप मुझे देख रहे हो अपने मुंह अपने अपने फोन में। इधर देख। और गाइस अभी पापा ने मुझे पकड़कर खूब मेरे कान खींचा, देख लो ऐसे गलत बात होती है ना। गाइस अभी बहुत ज्यादा टाइम हो गया, पापा बता रहे थे जल्दी टाइम टाइम हो गया, पापा बता रहे थे बहुत ज्यादा टाइम हो गया, 8:30 बज गए, जल्दी से खा लिया मम्मी से कह रहे थे। तो मैं क्या हूँ, किससे क्या हूँ फिर, सिस्टी से? पागल पागल लड़की से। हाँ ये लो गाइस, रात में ये इनके ड्राई फ्रूट्स खाए जा रहे हैं। आइसक्रीम खाने से बेटर है। आइसक्रीम क्या रहा आइसक्रीम खाने से बेटर है। ये तो पैक्ड है बाहर से ऊपर से, इसका वो निकालो रैपर। वही निकाल रही। और केटू क्या खा रही है? केटू इधरा, क्या खा रही है इधरा इधरा। और गाइस सब लोग आए नहीं है क्योंकि रात तो वैसे 12 तो बज चुके हैं, 12 से ज्यादा टाइम हो गया है। वो मम्मी का फोन आया था ना जब, तो वो वहाँ थे हरिद्वार। हाँ वो हरिद्वार थे, वो कल सुबह ही आएंगे और कल सुबह ही पहुँचेंगे। और आज जो मेरा दिन गया है ना, सुबह कब हुई थी और कब अब रात हो गई नहीं पता, मैं लगा हुआ हूँ काम में बस, अपने जो मुझे काम करना था नोट्स बनाने में डायरी में, और ये अभी भी मेरा काम बचा हुआ है। और अभी हालांकि मैं अभी एडिटिंग कर रहा था, तो मैंने सोचा कि पहले एडिटिंग कर लेता हूँ फिर वो और हिम्मत रही तो रात में जाग के फिर कर लूँगा, क्योंकि मुझे एनी हाउ सुबह तक वो काम देना ही देना है और क्लास भी है मेरी सुबह। और अब मैं एडिटिंग का काम ख़त्म करके फिर ये काम करूँगा, और फिर देखो अभी स्टूडेंट की अटेंडेंस भी मुझे लगानी है और कल मुझे क्लास के लिए भी जाना है। बहुत सारे काम है, समझ नहीं आता कहाँ से शुरू करूँ, और इसमें भी लोगों के रिप्लाई करना ऐसा लगता है बिल्कुल पहाड़ है मेरे सामने, कहाँ से शुरू करूँ कौन सी चीज़ से शुरू करूँ समझ नहीं आता। बस जो जो चीज़ फर्स्ट प्रायोरिटी है वो काम ख़त्म, फर्स्ट प्रायोरिटी जो लगती है वहीं से शुरू करता हुआ चलता हूँ मैं, वही काम। हाँ समझ नहीं आ रहा कहाँ से क्या शुरू करूँ, कहाँ से शुरू करूँ। ये छुआरे तो खाओगे नहीं आप? क्यों? अभी गर्मियों में छुआरे खाओगे? मैं तो खा गई सर्दियों में खाए जाते हैं छुआरे। ये देखो दोनों की दोनों एक जैसी हो रहे हो। सुबह सुबह खा सुबह खाते वैसे तो ये ऐसा कुछ नहीं होता, खाते हैं फुला के। फुला के तेरा मिल गया ना तुझे? खाए नहीं। तेरा क्या मिल गया, क्या मिल गया तेरा? दिए ना मेरे को, मैंने तेरे को स्टिक दिए या नहीं? कुछ नहीं मिला। बादाम चाहिए तुझे तो, पहले ही हा हा करती रहती है तू। वो जो छील के खाने वाले हम पता कैसे तोड़ते थे ये दरवाजे पास में पापा कहते थे दादी ही खराब कर देगी इसके, वो पता ही नहीं था कि वो जैक वो जब हम करते हैं वो हिल जाते हैं, बड़े होने के बाद पता चलता है। हम क्या करते हैं फसा के तोड़ते थे, साइड की लकड़ी भी टूट जाती थी। नहीं हमारे तो नहीं टूटा, अखरोट तोड़ने अखरोट तोड़ने का स्टाइल चौखट के बीच में लगा के कटर और उंगली बचाते हुए। बड़ा मजा आता है। किटो किधर खाने के नहीं है, वो बदतमीज हो रही है तू बहुत ज्यादा, तमीज सीख ले। तेरे को दिया है नहीं दिया? क्यों शादी होएगी उसकी? शादी होनी है उसकी है? जो तमीज सीख ले वो जरूरी है, शादी के लिए तमीज सीखी जाती है और क्या। अच्छा कोई गेस्ट आ रहा है हमारे घर में? हाँ देख ले, वो दे वो देखेगी नहीं फिर रिएक्ट करेगी सीधा। दादी तो हमारे घर में है ना, सब यही कहेंगे ना कुछ तमीज नहीं सिखा है। हमारा क्या उसका घर नहीं है, वो भी बचपन से रही है। ये बात तो है ना, तो मैंने कब कहा उसका घर नहीं है? आपने क्या कहा हमारा? तो क्या वो हमारा ही तो हो गया ना, वो मेरा थोड़ी बोला है मैंने, मेरे घर में रहती है। दिमाग जैसा लगता है ना गया उसके कितना दिमाग खा गई। तो गाइस गुड मॉर्निंग हो चुकी है, और मैं बता दूं सुबह में 3 बजे ही
3 बजने में बस 5-7 मिनट थे, तो जैसे ही मैंने फ़ोन रखा और मैं सोने के लिए गया तो इतनी देर में फिर शिवम का फ़ोन आ गया और मम्मी ये लोग रात को ही मतलब सुबह ही आ गए। मुझे तो लगा था सुबह आओगे आप लोग। नहीं, वहाँ से हम चल दिए थे 10:30 9:15 तो रास्ते में रुकी होगी बस एक बार रुकी थी होटल। हाँ, तभी वो इतना टाइम लग गया। नहीं तो चाय बनवाई, चाय दी, बिस्किट लिए। मम्मी खाना खाएंगे हजम नहीं होगा, बैठे बैठे वैसे रहेंगे। अरे मम्मी खा लेते फिर भी भूखे कब के चले हुए। नहीं तो हमने वहाँ पे भी खा लिया था और समोसे ले आया था इसी को राहुल, तो वो खा लिए। कहाँ थे रात को? रात को कहाँ रुके, रुकने की जरूरत ही कहाँ पड़ी, रुकने की जरूरत ही कहाँ पड़ी। सुबह पहुंचे हैं वहाँ से ऋषिकेश, फिर पूरा दिन चल के रात को फिर बस में वापस। फिर ठीक है, एक रात होती जब रुकते ना। और गाइस हमारा मंदिर था बहुत ऊंचा, भूतनाथ का। भूतनाथ का? हाँ, भूतनाथ महादेव। अच्छा, ऋषिकेश में पहली बार ही देखा है वो तो। गोपाल ने स्टोरी पे लगा रखा है, बाहर पहाड़ पहाड़ दिखा रखा है, मंदिर नहीं दिखा रखा, लिख मंदिर रखा है। मंदिर भी तो दिखाना चाहिए, जब उसकी वीडियो बनाया तो मंदिर दिखाना चाहिए ना इसको। हरिद्वार हर की पौड़ी पे कैसे बैठे थे आप? स्नान नहीं करा है? स्नान नहीं करा आपने? नहीं करा था। कैसे बैठे थे टेंशन में? मैं टेंशन में कब बैठी थी? और क्या देखा था मैंने, ग्रीन कलर की साड़ी पहनी थी हरे रंग की, वही आपने देखा था आपको कैसे टेंशन में बैठे हुए थे, थके। हाँ थके हुए, वही थके हुए के क्या। अब वहाँ पे सुबह सुबह ये हमने जा रही थी, ये वहाँ जा रहे थे, इसके जा रहे वो गाड़ी में बैठ के सारे जने वहाँ लीलकंठ निकल गए और हमें पता नहीं कौन। हाँ वो ले गए सबको, मेरे तुम तो आगे आगे निकल गए, शाम को कह रही तुम निकल गए आगे आगे, हम न जाने इधर चल अभी। अच्छा वो बस में बैठा के ले गए सबको नीलकंठ? नहीं नहीं, बस में नहीं, अलग से गाड़ी जाती थी, 250 रुपये लिए थे उसने आने जाने के, नीलकंठ जाना, नीलकंठ के। तो बस यही है, मैं तो मम्मी को यही समझाता हूँ कि जो ये एक दिन की दो दिन की ट्रिप होती है ना, इसमें सुकून से वो एंजॉयमेंट नहीं होता, वो घूमा फिरा नहीं जाता। वो तो नहीं होता है, वो तो फिर नहीं होता है, यही तो मैं बोल रहा था मम्मी। तभी तो ट्रिप का मजा आता है, तभी तो आनंद आता है किसी जगह पे घूमने का, कहीं तीर्थ स्थलों पे भी घूमने का। इसके लिए पैसा भी तो चाहिए ना बेटा, पैसे भी तो जरूरी, तो पैसा मांगे तभी तो बहुत। अरे मम्मी बहुत पैसा है, पापा का डायलॉग नहीं पता आपको, पैसा बहुत है, पैसा बहुत है। और अब मम्मी के ये सब सपने मैं पूरे करूंगा, हम पूरे करेंगे ये सारे सपने मम्मी के, तो वो लेके चलेंगे। अब जुलाई में हम कंफर्म है, हम जा रहे हैं अपनी कुलदेवी के यहाँ पे, प्लान करते हैं फिर। ठीक है, पूरी गाड़ी बुक करेंगे फिर सारे अपने कुलदेवी के, उधर भी चलेंगे। और वहाँ एक मंदिर और पड़ता है ना पुष्कर जी, हाँ उसका। हाँ हाँ, सिर्फ पूरे पूरी इंडिया में एक ही मंदिर है ब्रह्मा जी का, पुष्कर। श्राप मिला था, कभी उनकी पूजा नहीं होती। किसकी? ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी की पूजा नहीं होती? हाँ नहीं होती, पर ब्रह्मा जी ये अलग से मंदिर नहीं होता इनके, पर उसमें तो होता है ना, तो शिवलिंग में। क्या श्राप मिला था वो? मैं भूल गई स्टोरी, वो भूल गई। बड़ी थी ना स्टोरी, इनकी बेटी और इनकी कुछ कहानी थी ना शायद। तीन मंजिल चढ़ गई मैं, तीन मंजिल चढ़ गई शंकर भगवान का, बहुत बड़ा मंदिर था, बहुत ऊंचाई पर था। तीन मंजिल? हाँ तीन मंजिल चढ़ गई, अब और तीन मंजिल और बन रहा था, मैं तो वहीं पे हाथ जोड़ गई, वहीं भोले बाबा के बैठ गई। अरे मम्मी क्या बात कर दी, देखा केदारनाथ जब आप जाते ना तब आपको पता चलता केदारनाथ की चढ़ाई और वहाँ पे कितनी फिसलन है, जब यहीं बारिश हो रही है तो वहाँ कितनी फिसलन नहीं थी मम्मी, यहाँ डर लग रहा था, वहाँ फिसलन है इस वजह से हम, और ऊंचाई भी बहुत है वहाँ पे, इसीलिए हम चाह रहे थे कि हम आपको खुद साथ में लेकर जाएं, सारा परिवार जाए, इसीलिए तो, इसलिए
फिर और तीन मंजिल था भाई, तुम आओ मैं तो यहीं भोले बाबा के नहीं बैठी हूँ, एक शिवलिंग बन रहा था वहाँ पे भी मैं तो यहीं बैठी हूँ, इनका नहीं तुम जाओ वहीं मैं नहीं जाऊँगी, सीढ़ियों पे चढ़ के था। तो चलो गाइस मैं तो नाश्ता करता हूँ, मेरी तो क्लास है, फिर मिलता हूँ आप लोगों से। चाय पे था। तो गाइज अभी आए थे मैं अपनी क्लासेस के लिए, तो पहुंच गया हूँ टाइमली, तो थैंक गॉड। तो चलो अभी इस वीडियो का एंड करता हूँ, होप आप लोगों ने व्लॉग को एंजॉय किया होगा, एंजॉय किया तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट व्लॉग, बाय। और मैं भी पहुंच गया अपनी मंजिल पे, दूसरे फ्लोर दूसरी बिल्डिंग में जाने के लिए।